हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर। आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बनी मसालेदार और चटपटी ग्रेवी वाली अरबी की सब्जी की रेसिपी। अरबी की सब्जी देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई तरीके से अरबी की सब्जी बनाकर टेस्ट की होगी, बट एक बार हमारे तरीके से भी अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर टेस्ट करिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और यदि आप लोगों को हमारी अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम फटाफट से देख लेते हैं अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए हमने आधा किलोग्राम अरबी ली है। अरबी को हमने 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी ऊपरी परत को छील लेंगे। सबसे पहले हम अरबी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट करेंगे इस तरह से। अब हम इसको हल्के हल्के से ऊपर ऊपर छील लेंगे। आप लोग अरबी की सब्जी उबाल कर भी बना सकते हो और बिना उबाले भी बना सकते हो। आज हम आप लोगों को अरबी की सब्जी बिना उबाले बनाकर बता रहे हैं। बिना उबाले भी अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। हम अरबी को छीलने के बाद दूसरे बाउल में रखते जाएंगे। हमने सारी अरबी को इस तरह से छील लिया है। अब हम इसे 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। हमने अरबी को साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। अरबी को इस तरह से गोल शेप में छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। इसी तरह से सारी अरबी को कट करना है। इस तरह से हमने सारी अरबी को गोल शेप में कट कर लिया है। अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है। 1 बड़े साइज का कट किया हुआ प्याज, 1 कट किया हुआ टमाटर, 1 छोटे साइज की शिमला मिर्च, थोड़े छिले हुए लहसुन, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च। इस तरह से हमने अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। ज़रूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे। सारी सामग्री को मिक्सी के जार में डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अभी आप लोगों को जार फुल भरा दिख रहा है, बट ये पीसने के बाद बहुत कम हो जाएगा। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। हमें ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बस इतना ही पीसना है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने सारे पेस्ट को मिक्सी के जार से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। आज की रेसिपी में हम आपको बता रहे हैं ग्रेवी वाली अरबी की सब्जी आसान तरीके से कैसे बनाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सबसे पहले हम अरबी को फ्राई करेंगे। अरबी फ्राई करने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। आप लोग अरबी की सब्जी बनाने के लिए सरसों का ऑयल भी यूज कर सकते हो, या आप लोग अपने घर में जो भी ऑयल खाते हो उसका यूज अरबी की सब्जी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। ऑयल हल्का गर्म हो गया है, अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे। कढ़ाई में सारी अरबी डाल देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और अरबी को हर थोड़ी देर पर चलाते हुए फ्राई करेंगे। अरबी को फ्राई करते समय इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक को अच्छे से मिला देंगे। अरबी को फ्राई करते वक्त इसमें थोड़ा नमक ऐड कर देने से हमारी अरबी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। अरबी हल्के गोल्डन ब्राउन रंग की नहीं हो जाती,
तब तक हमें अरबी को चलाते हुए फ्राई करना है। हमें अरबी को मीडियम आंच पर फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अरबी फ्राई होने के बाद हल्की गोल्डन ब्राउन रंग की हो गई है और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। हम आपको एक अरबी चेक करके दिखाते हैं। अरबी को हम इस तरह से कट करके देखते हैं। अरबी यदि आसानी से कट हो रही है तो मतलब ये अच्छे से पक गई है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। अरबी को जाली वाली छन्नी से निकालेंगे। इस तरह से सारा ऑयल निथार लेंगे। हमने कढ़ाई से सारी अरबी को निकाल लिया है। अब हम अरबी को तड़का लगाएंगे। अरबी की सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में अलग से ऑयल नहीं लिया है। जो हमने अरबी को फ्राई करने के लिए एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया था, उसी ऑयल से हम सब्जी बना रहे हैं। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और कढ़ाई में एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज पत्ते डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज, लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को अच्छे से चला देंगे। हमने पेस्ट को ऑयल में अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और मसाले को 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। हमें मीडियम आंच पर मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छे से सीख गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और इसमें बाकी मसाले ऐड कर देंगे। अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, अपने स्वाद अनुसार नमक। हमने अरबी को फ्राई करते समय भी इसमें नमक ऐड किया था, इसलिए नमक अपने हिसाब से ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, थोड़ा हींग पाउडर। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और मसाले को ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर मसाले को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। मसाला अच्छे से सीख गया है और इसकी खुशबू भी अच्छे से आ रही है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। पानी आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिला देंगे। तेज पत्ता और दालचीनी का फ्लेवर मसाले में अच्छे से चले गया है, इसलिए अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में फ्राई की हुई अरबी डाल देंगे। अरबी को मसाले में अच्छे से मिला देंगे। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और मसाले के साथ अरबी को 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर अरबी को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। अरबी अच्छे से पक गई है और इसकी खुशबू भी अच्छे से आ रही है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया को हमने कट करने से पहले साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। हरा धनिया को भी सब्जी में अच्छे से मिला देंगे। यदि आप लोग स्टेप बाय स्टेप हमारी रेसिपी को देखकर अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे तो आप लोगों की ग्रेवी वाली सब्जी भी आसानी से बन जाएगी और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। अब हम सब्जी को बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। आप लोग इस तरह से अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर पूरी, पराठे, चपाती और ज्वार मक्का की रोटी के साथ भी खा सकते हो। इस तरह से मसालेदार और चटपटी अरबी की ग्रेवी वाली स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है।
फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारी अरबी की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने की रेसिपी पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को हमारी अरबी की सब्जी बनाने की रेसिपी कैसे लगी, ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज़ नई नई रेसिपीज लाते रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।